जहां सीएम विष्णुदेव साय गरियाबंद के दौरे पर पहुंचे। राजिम पहुंचे सीएम साय, डिप्टी सीएम अरुण साव भी साथ में मौजूद थे। राजिम माता जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम। राजिम पहुंचकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजिम माता जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उनके साथ डिप्टी सीएम अरुण साव भी मौजूद थे। उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब राजिम माता जयंती कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे। सभी हमर साहू समाज के सज्जन ऋण, मातृशक्ति, माता बहनी मन, युवा साथी मन और प्रेस के मित्रगण, सबसे पहली मैं साहू समाज के आभार व्यक्त करना चाहूं जमन के निमंत्रण आज के कार्यक्रम पर मिलिस और ऐसे ऐतिहासिक कार्यक्रम में आप सबके बीच में आप सबके दर्शन लाभ मोला मिलत है। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के दायित्व संभाले के पश्चात पहली बार राजीव माना हुई से हमन राजीव लोचन भगवान के पूजा करे हन, हमन भक्तिन महतारी राजीव दाई के पूजा करे हन और दोनों से आशीर्वाद मांगे हन हमारे छत्तीसगढ़ के खुशहाली बर, ये छत्तीसगढ़ के शांति बर, ये छत्तीसगढ़ के समृद्धि बर। उमन से हमार प्रार्थना है कि हमारे छत्तीसगढ़ खुशहाल हो, यहां शांति हो, यहां समृद्धि हो। और मैं साहू समाज के इतक संख्या में जो उपस्थिति है आप सब ला मैं नमन करत हूं। साहू समाज बड़ा गौरवशाली समाज है। आज भक्तिन महतारी राजिम दाई ये सिद्ध कर दी इसकी सरलता के साथ किस तरह से भगवान ला प्राप्त किए जा सकत है। आज रायगढ़ क्षेत्र जहां के जनता मोला चार बार सांसद बनाईस, वहां कोसम नारा में जो साहू समाज के बाबा बैठी ने 25-26 साल से खुले आसमान के नीचे बिना खाए पिए पूज्य बाबा सत्यनारायण जी, आप सब मन बहुत जन वहां गए हो, उमन के दर्शन करे हुई हो, मैं बराबर वहां जाता हूं। आज हमार डिप्टी सीएम कहत रही ने कि आज ये देश के प्रधानमंत्री साहू समाज के आदरणीय नरेंद्र मोदी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, आज पूरे दुनिया में उमन के कारण भारत के डंका बाजत है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इला ध्येय वाक्य मानते हुए भारत के जनता के सेवा करत हैं। ये सब हमारे लिए सबके लिए बड़े गौरव के बात है। ये राजिम कुंभ हमर जो सरकार चलत रही से भारतीय जनता पार्टी के राजिम कुंभ के माध्यम से ये जगह के पूरे देश ही नहीं दुनिया में पहचान देहे के काम हमर सरकार करे रही। पिछले समय में जरूर उमे कुछ कमी हुई से, लेकिन मैं फिर मुख्यमंत्री के नाते आश्वस्त करना चाहता हूं कि फिर से यहां के वैभव लौटी, राजिम कुंभ के फिर से ख्याति हुई और दुनिया भर के साधु संत फिर से यहां पर आई और मुख्यमंत्री के नाते हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विधानसभा चुनाव के दौरान जो छत्तीसगढ़ के जनता से वादा करी है मोदी की गारंटी में, वो वादा ला पूरा करे पर हमर सरकार अपन कदम बढ़ा चुकी से। आज छत्तीसगढ़ के सरकार ला मुश्किल से 24-25 दिन हुई से, लेकिन आप मुला बताते हुए मुला एक गौरव होते कि 13 दिसंबर के हमर सरकार शपथ लईस और 14 दिसंबर के पहला कैबिनेट में ही